पांच वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, हमने प्रयास किया कि अपने संसदीय क्षेत्र में किस प्रकार से उस अपने संसदीय क्षेत्र को आगे ले जाए, किस प्रकार से यहाँ के लोगों की जो समस्या है उनका निवारण किया जाए। लोकसभा के अंदर बहुत सारे इश्यूज को मुझे उठाने का मौका मिला और एक बड़ा विषय जो जिला सिरमौर से संबंधित रहा, हाटी का जो विषय था उसको सिरे चढ़ाना, और उसके लिए लगातार हम लोगों ने प्रयास किए। आज हमारा जो ट्रांसगिरी का एरिया है उसको हाटी का जो है दर्जा दिलाने का हमने प्रयास किया। ये बात अलग से है कि कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे डेवलपमेंटल काम हैं, जैसे पौटा साहिब शिलाई हाटकोटी नेशनल हाईवे की बात है, जो ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे बन रहा है, 1426 करोड़ रुपए उसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, करीब 390 करोड़ रुपए है जो है धोला कुआं, इसके अलावा 282 करोड़ के करीब जो है हमारा मेडिकल कॉलेज नाहन, 750 करोड़ के लागत से एस्ट्रोटर्फ जो माजरा में अभी अभी जिसका लोकार्पण किया गया उसका निर्माण, और 7000 करोड़ रुपए की लागत से रेणुका डैम प्रोजेक्ट, कालका शिमला फोर लेन, और इसके साथ साथ मेरे ही संसदीय क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़, चंडीगढ़ बद्दी फोर लेन, चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन, ऐसे अनेकों काम जो है इन पांच सालों में हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो कलाम पौटा साहिब फोर लेन उसकी बात करें, या नान कुमारटी इसको इस रोड के फोर लेन करने की बात हो, या बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं जो कि लगातार हम संसद के अंदर उठाते रहे। इसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि मिलती है उस राशि को बढ़ाने की बात हो, या अनेकों ऐसे मुद्दे रहे किसानों से लेकर नकदी फसलों को लेकर कि लोगों को विशेष रूप से जिला सोलन में जो हम कैश क्रो की और बहुत आगे बढ़े हैं उनको लेकर, उनको उनके लिए उनके भंडारण के लिए कोई इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि वो जब तक मार्केट में अच्छे प्राइस ना मिले तब तक उनको स्टोरेज रखा जाए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। मैंने ये भी मांग की है कि आने वाले समय में जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे बद्दी चंडीगढ़ से बद्दी के लिए तो हो गया है, लेकिन जगाधरी से पौटा साहिब कालाम की रेलवे के साथ जोड़ा जाए, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में इसको हम कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा अपर शिमला का एरिया है जहाँ टनल बनाकर जो है बहुत सारे समय की बचत हम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरा ये प्रयास रहा है कि आने वाले समय में उसको हम करेंगे। इसी प्रकार से चूड़धार को रोपवे से जोड़ना, और चूड़धार के लिए रोपवे के लिए केंद्र सरकार ने जो धनराशि स्वीकृत की है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो श्रद्धालु चूड़धार जाते हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। ऐसे अनेकों काम हमने किए और जिसका नतीजा है कि आज केंद्र सरकार का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद दूसरी बार मिला, केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद दूसरी बार मिला है, और मेरा यह प्रयास रहेगा कि अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की जो भी समस्या है, हमने सांसद निधि के माध्यम से भी बावजूद इसके कि दो साल कोरोना के कारण सांसद निधि बाधित रही और हमारे जो भी छोटे मोटे काम सांसद निधि से होते थे वो बाधित हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरा यह प्रयास रहा कि 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से हमने सांसद निधि देने का काम किया, और मैंने CSR के माध्यम से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे लगाए हैं जो कि आम जन को आज इनका फायदा मिल रहा है, जिसमें कि एक अच्छा प्रोजेक्ट जो हमने सराहा में लगाया नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दृष्टि से और स्वच्छता की दृष्टि से, हम वहाँ पर जो है सैनिटरी नैपकिन बनाकर महिलाओं को मुफ्त में दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे अनेक काम मेरा ये प्रयास रहा है कि विशेष रूप से नारी शक्ति को स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से हमने करने की कोशिश की। इसके अलावा कोविड के समय में भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और मैंने व्यक्तिगत रूप से कई एम्बुलेंसेस दी मेडिकल कॉलेज में, नेबुलाइजर और ऐसे करके कुछ राशि भी 50 लाख के करीब मेडिकल कॉलेज को दी। इसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे हमारे हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर भी हमने सहायता मुहैया करवाने की कोशिश की। कुल मिलाकर मेरा यह प्रयास रहा है कि अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकें, ये हमने कोशिश की। कश्यप साहब, एक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, दूसरा आपके संसदीय क्षेत्र में 17 में से 13 विधायक कांग्रेस के हैं, उनमें से सरकार में भी मंत्री भी है, विधानसभा उपाध्यक्ष भी है, तो आपको लगता है आपकी डगर कितनी मुश्किल होने वाली है? देखिए, जो 15 महीने का कार्यकाल इस सरकार का रहा है, आज पूरे प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है।
बहुत अपेक्षाओं के साथ जनता ने कांग्रेस पार्टी को जो है समर्थन दिया था। नए दौर की शुरुआत होगी, व्यवस्था परिवर्तन होगा। 15 महीने बीत गए लेकिन 15 पैसे का भी काम हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। और जो आज सरकार की स्थिति है, अल्पमत में सरकार चल रही है, आज सरकार का जनता की ओर कोई भी ध्यान नहीं है। ये तो केवल अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। अर्थात जनता के साथ जो वादे हुए थे वो सारे वादे जो है, एक भी वादा पूरा नहीं हो सका। 10-10 गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हो सकी। इसलिए जनता आज अपने आप को ठगा महसूस करती है। ये बात सही है कि हमारे पास तीन विधायक भारतीय जनता पार्टी के और एक इंडिपेंडेंट विधायक आज है, लेकिन ऐसी स्थिति पहले भी रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। 2009 में भी और 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और कमोबेश ऐसी स्थिति में ही हम जीत कर आए। 2019 में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही थी और इस बार भी कहीं पर भी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।